जजों के गांव से कट गया केबल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गांव सेतापुर जज के गांव से जाना जाता है, लेकिन आज रात में चोरों ने जज के घर के पीछे से ही समरसेबल का कीमती केबल अज्ञात चोरों ने काटकर उठा लिया। पीड़ित ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर देकर जांच की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पट्टी तहसील में जजों के गांव सेतापुर में अज्ञात चोरों ने रामचंद्र चौरसिया पुत्र कालू चौरसिया ग्राम सेतापुर ने आसपुर देवसरा थाने में जाकर लिखित तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ केबल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रामचंद्र चौरसिया का कहना है कि यह घटना लगभग 8 बजे के बाद की है। जब वह लोग खाना पीना खाकर सोने के लिए चले गए तो पहले से ही घात लगाए चोरों ने मशीन पर पहुंचकर केबल काट लिया। सबसे मजेदार बात यह है कि पीड़ित रामचंद्र चौरसिया की मशीन जज के घर के ठीक पीछे ही है। चोरों को किसी का भी तनिक भय नहीं है। पीड़ित रामचंद्र चौरसिया ने आसपुर देवसरा थाने पहुंचकर थाना अध्यक्ष को लिखित तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। देखिए क्या कहते हैं रामचंद्र चौरसिया। लेकिन दोस्तों, अगर उसके पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सच्चे आसपुर देवसरा महोदय, मैं रामचंद्र चौरसिया सेतापुर प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरे पंपिंग सेट से केबल का तार कल रात 8 बजे पता नहीं कौन चोरी से काट कर उठा ले गया है, जिससे मेरी कम से कम 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। आपसे निवेदन है कि जांच कर इस संबंध में कोई कार्यवाही अवश्य करें। ऐसा लगता है कि मुझे ये लोग आसपास के हैं, बहुत दूर के लोग नहीं हैं, जो चोरी से हमारा केबल काट कर उठा ले गए हैं। बस।